सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत आप सभी का नई फ्रेश वीडियो में। आज हम यहाँ बातचीत करने वाले हैं कुछ अलग कुछ हटके। आज सबसे ज़्यादा हटके होगी, आज हम बात करेंगे कस्टमर केयर से, एयरटेल के कस्टमर केयर से। बाकी भी कंपनीज बहुत खराब कर रही है मगर यहाँ मेरे को एयरटेल की बहुत खराब लग रही है। एक तो एडवर्टीजमेंट है, सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है, वीडियो यूँ चलती है, ऐसे चलती है, वैसे चलती है। बड़ी सिटीज़ में ये पैसे लेते हैं, हमसे कम लेते हैं क्या? सबसे सेम लेते हैं, तो सेम सुविधा देनी चाहिए, सेम फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ़ोन करते हैं और कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और जल्दी से जल्दी बताते हैं और जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। किया गया है। यस सर, आपकी बात शिवम से हो रही है, बताइए। जैसे कि एडवाइजर द्वारा बताया गया कि आपको इंटरनेट यूज करने में परेशानी है। सर इंटरनेट नहीं, कॉल भी, कॉलिंग भी है। यस सर। कॉलिंग में क्या इशू आ रहा है सर? सर कॉल लगती नहीं, घर के अंदर बैठो कॉल ही नहीं लगती, बाहर भी डिसकनेक्ट हो जाता है कॉल। किसी की आती है वॉइस क्लियर नहीं आती या डबल रिपीट होती है वॉइस। और ये काफी एक साल हो गया ऑलमोस्ट, और ये सिर्फ मेरे को नहीं है, मेरे बाकी जो दोस्त वगैरह है उनको भी सेम यही प्रॉब्लम है। मैं जब भी कॉल करता हूँ यही कहते हैं भी 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, या हम एक सेटिंग चेंज कर रहे हैं, आप रीस्टार्ट करें फ़ोन को फिर ठीक हो जाएगा, मगर ठीक आज तक नहीं हुआ। तो सर मेरे को जानना है क्या रीज़न है। हम पैसे जब पूरे देते हैं, आप हमको मैसेज करते हैं ये नेटवर्क तेज है, पेमेंट करें, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो सुविधा क्यों इस टाइम से फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते सर आप? मैं ये जानना चाहता हूँ। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में सर, इनकमिंग आउटगोइंग इंटरनेट सब में है सर। मैं फ्लाइट मोड पे डाल के दोबारा ऑन करता हूँ तब जाके चलता है, थोड़ी देर चलेगा फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। और बाकी मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, आइडिया वोडाफोन, वो तो सही चल रहे हैं। चेक कर लेता हूँ लाइन करिए। इस एरिया में परेशानी आ रही है सर? इसी एरिया में मैं बाकी ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ तो मेरे को कहीं दिखती नहीं, या मेजर सिटीज़ में आप फैसिलिटी ज़्यादा दे रहे हो, यहाँ दे नहीं रहे। जब चार्जेस सेम ले रहे हो तो फैसिलिटीज़ भी सेम दो ना सर। एरिया का पिन कोड आप प्लीज मुझे बता सकते हैं? हाँ जी सर, 132001। 132001। वॉइस क्रैकिंग कॉल ड्रॉप दोनों का इशू है ना सर? वॉइस क्रैकिंग कॉल ड्रॉप और साथ में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है। इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है और ये साल से ऊपर हो गया सर। चेक किया जाए तो यूजर्स के अकॉर्डिंग टू डेटा आपका कहना है यूज तो कर पाते नहीं, काफी स्लो चलता है ना। यस सर, मेरे को वाईफाई लगाना पड़ा है, वाईफाई से ही मैं ऑपरेट कर पाता हूँ ज्यादा। आपने पिन कोड क्या बताया था सर मुझे? 132001। यस सर। न्यू हाउसिंग बोर्ड? यस सर। ओके, ये वर्क प्लेस है या होम प्लेस है आपका? होम प्लेस है ना? होम प्लेस है सर। ठीक है, तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ आपका जो एरिया है वहाँ पे जो हमारा एयरटेल का नेटवर्क है, नेटवर्क आपका 2G और 4G तीन दोनों आपका एक्सीलेंट कंडीशन में है सर। सर एक्सीलेंट कंडीशन में फिर चलता क्यों नहीं? यहाँ गाँव वाली फील आ रही है मेरे को, घर के अंदर मैं बैठता हूँ नेटवर्क ही नहीं आते, बाहर जाना पड़ता है। मैं कुछ सर पहले तो बिल्कुल सही चलता था, ये एक साल से हुआ पता नहीं क्यों। जब पहले भी नेटवर्क में यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल स्टार्टिंग से, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, कभी दिक्कत नहीं आई, एक साल से ही हो रही है प्रॉब्लम। और ये भी नहीं कि मेरे फ़ोन या सिम में हो, क्योंकि मैं बाकी जगह ट्रैवल करता हूँ वहाँ तो सही आते हैं नेटवर्क। फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिम लास्ट वन ईयर ना? यस सर। ओके, हाउस नंबर है कोई पर्टिकुलर आपका? यस सर, 757। 757। यस सर, करनाल सर। पिन कोड 132001। यस सर। सिग्नल कितने आ रहे हैं अभी फोन में आपका? सर इस टाइम तो 4 शो कर रहे हैं मगर इंटरनेट नहीं चलता। कितने 1 ईयर से परेशानी है ना? हाँ सर, अभी 4 शो कर रहे हैं, मैं थोड़ा और हिलूंगा तो 1 आ जाएगा, कॉल ही नहीं मिलती सर। प्रॉब्लम इंडोर में है, आउटडोर में है या दोनों जगह? सर इंडोर में भी है, आउटडोर में भी है। और सर ये नहीं है कि सिर्फ मेरे घर में है, मैं कहीं और भी जाऊं करनाल में तो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ हर जगह। इंडोर आउटडोर बहुत है ना? यस सर, कई बार आते हैं कई बार नहीं आते सर, ऐसा तो चलना नहीं चाहिए ना।
अभी हम सनी ऊपर का हाथ नेटवर्क करके है। नेटवर्क तो ढूंढेंगे। यस सर, मैं जैसे कि चेक करता हूँ, आपको जो नंबर है काफी समय पुराना है, यस एयरटेल से सर। आप काफी समय से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी मेरा सर एक नंबर था, वो मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने नया लिया था। नहीं तो मैं ऑलमोस्ट, मेरे को 10 साल हो गए। बिल्कुल सर, आपको जो परेशानी आ रही है उसके रिगार्डिंग इनपुट्स मैंने यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे नेटवर्क इनपुट शेयर कर दिए हैं। सर पहले भी ठीक हुआ है, था, अभी तक मैं कोई समझ टीम रहा नहीं हूँ आई। आप एयरटेल के बहुमूल्य कस्टमर हैं, एयरटेल पे आप अपना भरोसा बना के रखिए। ठीक है, जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं सारी समस्याओं का समाधान आपका निश्चित रूप से जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपने इतने समय वेट किया, मैं आपके वेट करने की सराहना करता हूँ। कुछ दिनों का वेट कर लीजिए, तो कुछ सर दिनों में हर आपका बार यही काम खराब बोलते हैं आप कि भाई वेट कर लीजिए, हो जाएगा, नहीं नहीं सर्वर टीम देखिए आएगी, आप चेक करवाएगी देखिए ये। आप मेरी बात को सुनिएगा। देखिए हम तो नहीं चाहेंगे हमारा कोई भी ऑपरेटर, हमारा कोई भी कस्टमर हमारे ऑपरेटर को छोड़ के किसी अन्य ऑपरेटर में अपने नंबर को कन्वर्ट कराए, ये तो नहीं होता है ना सर। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। हाँ सर वो तो हमारा है, मगर मतलब है फिर आप हमें सर्विस इनपुट्स तो प्रोवाइड दीजिए इस कराते हिसाब से। हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा जो इनपुट्स हैं आप हमें इनपुट्स प्रोवाइड कराते हैं, हम यहाँ पे नोट करते हैं, नेटवर्क टीम को साइन करते हैं, नेटवर्क टीम आपके एरिया में चेक करती है, उसके बाद वर्क करती है। थोड़ा समय लगता है सर, थोड़ा सा धैर्य बना के सर रखिए। कितना आप साल एयरटेल तो के हो गया, बहुमूल्य इससे कस्टमर ज्यादा हैं। क्या ठीक है, समय लगेगा सर? मैं इतना तो समझ रहा हूँ गवर्नमेंट भी सर नहीं आपकी लेती। परेशानी को, लेकिन जितना जल्द से जल्द होगा ना सर आप अपनी कस्टमर की जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व बिल्कुल करा दीजिए, ऐसा नहीं। सर मेरे घर लैंडलाइन लगा हुआ है, मैं कंप्लेन कराता हूँ, सेम डे आ जाते हैं ठीक करने के लिए, इसका ही एयरटेल का ही। तो कॉलिंग में इतनी सर्विस क्यों नहीं है आपकी? मैं समझ रहा हूँ सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी जो भी समस्याएं सर हैं मेरे जल्द को से एक जल्द आपके फिक्स टाइम तो रिजॉल्व बताए, मैं फिर दोबारा कॉल करूँ ना कि इस टाइम तक हो जाएगा। नहीं, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, 1 month, वन लेकिन ईयर, जितना टू जल्द से जल्द ईयर होगा इतना समय नहीं लगेगा। सर 1 year, 1 साल तो हो ही गया ऑलमोस्ट। इतना समय नहीं लगेगा, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कितना जल्द सर से जल्द फिर भी रिजॉल्व। कुछ एस्टिमेट टाइम तो बताए ना सर आप। एस्टिमेटेड टाइम या एग्जैक्ट टाइम या फिर अप्रोक्स टाइम में आपको अगर बता पाता तो मुझे बेहद खुशी होती, अच्छा सर, लेकिन जितना जल्द से जल्द होता है कस्टमर की जो आपका कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बिल्कुल पूरी कोशिश करता है। अच्छा सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक ठीक यू है फॉर सर, कॉलिंग एयरटेल। ठीक। ऐसे नहीं कि आपने सुना, अगर नहीं सुना ठीक से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, मतलब बात मैंने की। तो ये इन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह लिया और बोल रहे हैं कि सर्वर टीम ऐसे ऐसे आएगी, आपके चेक कर लेगी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, रियलिटी क्या है, क्योंकि 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैंने इनसे पूछा एग्जैक्ट टाइम मेरे को बता दीजिए कि कब तक करेंगे, एग्जैक्ट टाइम इन्होंने अभी भी नहीं बताया। मतलब इनको ये भी नहीं पता कि कब तक होगा ये सोल्व, क्या सोल्व होगा, कोई टाइम ही लिमिट ही नहीं दे पा रहे, क्या चक्कर है। मतलब जब पैसे पूरे लेते हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ पूरी लेते हैं, तो यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते। मैंने ये बात रखी तो कह रहे हैं हम समझ पा रहे, हम समझ पा रहे, क्या समझ पा रहे। अगर आप, मैं मानता हूँ कि गलती इनकी भी नहीं है, ये तो एक मतलब कस्टमर केयर को हैंडल करने वाले हैं, एक तरह से एम्प्लॉय है। बाकी तो प्रॉब्लम क्या है, इनको कुछ ना कुछ तो डाउट होता ही है, बता सकते हैं कस्टमर को, मगर नहीं। अब मैं क्या कहूँ, बाकी आप सभी के सामने था जो बातचीत हुई। अगर थोड़े बहुत कुछ ना समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें इस वीडियो को, ताकि क्या पता यहाँ नहीं आपके वहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम हो और आपको ये सेम प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से फेस करना पड़ रहा हो। और अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपके पास कोई क्लिप है ऐसी, फ़ोन करें कस्टमर केयर को आज ही, रिकॉर्डिंग करें और मुझे सेंड करिए। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। रिकॉर्डिंग आपकी सेंड करके जितनी सारी रिकॉर्डिंग होगी उतना हमको बेनिफिट होगा, सारी रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे कि भाई क्या कर रहे हो तुम। मतलब पैसे जब पूरे लेते हो, हर 3 महीने में तुमको रिचार्ज चाहिए, फैसिलिटीज ही पर से आपने एक नया सिस्टम निकाल दिया, भाई अगर रिचार्ज नहीं कराओगे नेटवर्क बंद हो जाएगा, मगर फ़ायदा क्या जब तुम एक सर्विस नहीं दे रहे। जब तुम चार्जेस पूरे ले रहे हो तो सर्विस भी पूरी दीजिए। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें जा इस वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हो कि इंटरनेट ख़राब चल रहा है, क्या कॉल करना, क्या टाइम वेस्ट करना। मगर आप पैसे जब दे रहे हैं 400 रुपये, 500 रुपये, तो ये टाइम वेस्ट नहीं है। 400-500 रुपये आपके फ्री के है, तो ऐसे ही दे दीजिए किसी को। अगर नहीं है तो उठाए फ़ोन और कस्टमर केयर को कॉल करिए अभी के अभी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जैसे वीडियो। इसमें कुछ मैसेज टाइप नहीं था, मगर एक बातचीत थी एयरटेल और एक कस्टमर के बीच में, क्या इंट्रैक्शन हुई वो आपको दिख गई है। और अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं,
इन्होंने अभी तक मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कब होगा, एड्रेस ले लिया, सब कुछ ले लिया और देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, मैं चलता हूँ, मैं टाटा बाय बाय सायनारा।